बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम असलकुम प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिनहास और मैं नुसरत जावेद भाई साहब आज चूंकि पहला दिन है तो मैं फोन नंबर्स बता दें क्योंकि लोगों को पहले गिला होता था कि एक ही लाइन तो है और आज है लाइने भी तीन तीन हैं जीरो फाइव वन टू एट टू जीरो वन फाइव जीरो जीरो फाइव वन टू एट टू वन फोर नाइन सिक्स जीरो फाइव वन टू एट सेवन जीरो डबल फोर वन और इसके साथ साथ आप हमें ई मेल भी कर सकते हैं डी एम ए यानी दुनिया मेरे आगे डी एम एट दुनिया टी वी डॉट टी वी पर और जनाब यहाँ पे आप माशाला हाई टेक होकर आ रहे हैं बड़े इक्विप ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा फीडबैक आए फेसबुक पे भी हम अवेलेबल हैं डी एम एट दुनिया टी वी डॉट टी वी ये ना हो तो ट्विटर पे भी आप हम तक रीच कर सकते हैं डी एम एट दुनिया टी वी डॉट टी वी और एस एम एस मैसेज भी मुश्ताक साहब जो ख्याल का इजहार करते हैं इन्हें सराहने के लिए ताकि इनका दिल लगा रहे इन्हें अपनी फैन क्लब बहुत पसंद है वो है डी एम ए स्पेस सेंड टू सिक्स सिक्स टू टू और पैनल वालों से मुश्ताक साहब ये दरख्वास्त है कि वो इन तमाम चीज़ों को डिस्प्ले भी करते रहें क्योंकि नया नया काम है लोगों को पता चले मेरे ख्याल में सब कॉल भी लेकिन अभी तो हमने अभी तो जरा एक मिनट ठहर जाए एक मुझे इत्तला थोड़ी सी और भी देनी है फिर मैं मौजू पे आऊँगा यही पॉलिसी मैटर्स बात ये है मियाँ नौकरी जब करते हैं ना तो डायरेक्टर करंट अफेयर्स की चमचेगिरी करते हैं बिल्कुल ठीक है मैडम नसीम जहरा साहबा हमारी डायरेक्टर करंट अफेयर्स का प्रोग्राम पॉलिसी मैटर अब हुआ करेगा जुमा और हफ्ते को दस बजे दस बजे तो पीर से जुमे तक उन्होंने कहा है आठ से नौ तक मुश्ताक साहब ने जो बहर जो करना है करें जो उन्होंने ये और मैं अब आपको सिर्फ ये कहूँगा कि मैं आपने मुझे बहला फुसला के दोबारा स्क्रीन पे तो लिया है लेकिन एक बात यार आज मैं दिल से मान रहा हूँ जिबली तौर पर तुम शोबिस के आदमी हो मैं कैसे शोबिस का मेरा क्या ताल्लुक है जी भाई मैं जर्नलिस्ट हूँ खुदा के लिए मेरा ऐसे ताल्लुक करें के आप... इसलिए आदमी हो कि तुमने मुझे एक हफ्ता दस दिन पहले कॉल ये, ये कर लिया था कि भाई हमने जाना है स्क्रीन पर वापस ठीक है? है आज तुम क्यों ऑन एयर जा रहे हो आज इसलिए कि आज आज का दिन ही ऐसा हमारा सत्रह मंडे था आज से शुरू करना था नहीं, पहले से नहीं, लेकिन नहीं जिस तो रहे, ना, ना, तुम्हें मैं, पता था वो, खड़का हो गया वो तो होने अदालत था। ने रहमान मलिक साहब को तुम्हें किसी ना किसी तरह दूर दराज से हो तुम्हें से बाबर साफी या नहीं भी थे तुम्हारी जबिल्लत बहुत तेज होती है खतरे को फौरन खबर देखें ये पाकिस्तान है यहाँ हर तरह की खबरें बिल्कुल अर्जा निरखों पर दस्तियाब है और मैं आपको बता दूं नुसर साहब आज जो कोर्ट ने फैसला किया है रहमान मलिक ठीक है उससे इख्तलाफ भी बहुत लोग रखेंगे लेकिन अगर आपने कानून की हकमियत जानी है तो फिर अब इसको भी एन आर ओ की तरह फंसाए ना इसके ऊपर अमल दरामद करें आज हसाब जो है जो आज लाहौर कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है टेक्निकली और कानूनी तौर पर आज हमने स्टेटस पता करना है कि रहमान मलिक साहब क्या उसके बाद जब तक ये अपील नहीं करते उनका स्टेटस क्या है हुआ क्या आज लाहौर हाईकोर्ट में वो रिपोर्ट पहले फैसला देखते हैं बिल्कुल इरफान हाशमी की रिपोर्ट लाहौर ऐसी मलिक पर एहतसब अदालत पिंडी की जानव से रिश्वत के तौर पर गाड़ी लेने और एक शहरी के घर पर छापे के जरिए कीमती सामान हथियाने के दो रेफरेंसेज दायर किए गए थे इन दोनों रेफरेंसेज में रहमान मलिक को उनकी अदम मौजूदगी में एहतसाब अदालत पिंडी की जानब ऐसी तीन तीन साल की सजा सुनाई गई थी सोलह बारह की जो जजमेंट आई एन आर ओ के उसमें फैसले में वाजह था की यह सबसे पहले गिरफ्तारी पेश करेंगे जेल में जाएंगे जेल में इनकी सजा शुरू होगी फिर उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी चीफ जस्टिस लाहौर कोर्ट ख्वाजा मोहम्मद शरीफ और जस्टिस वकार हसन मीर पर मुश्तमिल डिजन बेंच ने रहमान मलिक की जानब से दायर अपीलों की समाप्त की जिसमें रहमान मलिक ने अदालत में मौकफ अख्तियार किया था कि आयन के मुताबिक किसी भी शख्स को उसकी अदम मौजूदगी में सजा नहीं दी जा सकती फाजिल बेंच ने दलाइल सुनने के बाद रहमान मलिक की अपीलों को खारिज कर दिया और उनकी अबूरी जमानत भी मुस्रद कर दी आइनी माहरीन के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला अपनी नोयत का पहला फैसला है क्योंकि किसी भी शख्स को उसकी अदम मौजूदगी में सजा नहीं सुनाई जा सकती पहला फैसला है पाकिस्तान में कि जिस किसी को गैर हाजिरी में सजा दी गई हो उसको तो सुप्रीम कोर्ट में हर जगह ये किया जाता है कि फैसलों को यह नहीं देखा जाता कि फरीकन कौन है हमेशा ये देखा जाता है के कानून की तरक्की और तरवीज के लिए कानून की डेवलपमेंट के लिए कौन से फैसले होते हैं रहमान मलिक की सजाओं की बहाली से मुतालिक वकील रहनुमा हामिद खान का कहना है कि हुकूमत के लिए अब ये इम्तिहान होगा कि वो किस तरह इस फैसले पर अमल दरामद करवाती है जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है जिसका काम है यानी इसमें नैब है उसका काम है कि जिस तरह दूसरे मुजरमों को जिनके सजा जो है उनकी जो है कंफर्म हो चुकी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील की जा सकती है लेकिन इसके लिए कानून के मुताबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक को पहले खुद को कानून के हवाले करना होगा जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील काबिल समाप्त होगी लाहौर हाई कोर्ट ने रहमान मलिक समेत इक्कीस अफराद की दरखास्तें खारिज करने के बाद एक बार फिर गेंद हुकूमत के कोर्ट में फेंक दी है कि वो एन के फैसले पर अमल दरामद कराने से मुतल किस हद तक संजीदा है और क्या रहमान मलिक की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी या नहीं कैमरामैन असर अली के साथ इरफान हाशमी प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे लाहौर जी इरफान हाशमी की आपने पैकेज देखा नाजीन और नुसर साहब एक बात है हमारे लोग हमारे तमाम इंटलेक्चुअल हमारे कानूनदान हमारे जर्नलिस्ट जब इससे पहले डिस्कश डिस्कशन हुआ करती थी आपको पता है वो क्या कहते थे क्या कहते थे जी देखें इस मुल्क में कानून आम आदमी के लिए गरीब आदमी के लिए जिसका कोई वाली वारस नहीं है उसको सजा हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं होता फौरी तौर पर अमल दरामद बड़े बड़े लोग खा पी के चले गए अब जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स ने और जो लोअर कोर्ट्स हैं उन्होंने बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालने की कोशिश की है तो अब भी यही डिबेट है कि जी गवर्नमेंट हिल जाएगी ये ये हो जाएंगे होता ये मुझे समझ नहीं आती कि मगरमच इतफाक है हसीन इत्तेफाक मैं बुला भाई मैं कोई कमेंट नहीं ये पहला दिन है अल्लाह का वास्ता है हाथ थौला वो ये है कि वो इत्तेफाक से सारे आसिफ आसिफली जरदारी के बहुत करीबी उतरा निकलते हैं लेकिन मैं अभी भी ये समझना चाहता हूँ कि ये कानूनी तौर पर क्या हुआ है तो लाहौर में ब्रादर हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट तालिब्रिज भी जो अभी कमेंट भी कर रहे जी बिल्कुल कि है, पहला वाक पहले समझने की कि कोशिश किया करें हम सहाफियों में और आप जैसे जो माशाल्लाह कुल टाइप के हैं उनमें ये बीमारी है कि फैक्ट्स को समझे बगैर खताब है चले बिल्कुल ठीक है जी पहले सुने देखें एक राय है वो साहब साहब से वालेकम ये आपने बड़ी अच्छी बात की हमारे यहाँ हर शख्स हर मौजू पर गुफ्तू करने को तैयार है बगैर ये जाने के मौजू क्या है आज इस और खास तौर पर अगर उसका नाम सर मुश्ताक मिनहस हो <laughs> <अगर> हमारा <laughs> सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का आप ताली साहब हमें बिल्कुल एक आम शहरी जिसको कानून की अलिफ बे का पता नहीं है कानूनी मुशकाफियों का पता नहीं है उनकी सर आप बर मेहरबानी थोड़ी सी मदद कीजिए बताइए कि रहमान मलिक साहब के साथ हुआ क्या है सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि कानून क्या है देखिए जब किसी फौजदारी अदालत में कोई मुकदमा पेश हो और मुलिम हाजिर ना हो तो वो उस मुलजिम को ही नोटिस भेजती है अगर वो नोटिस उस पर सर्व ना हो तो वारंट जारी करती है और जब वारंट जारी करने के, के बाद उस अदालत के सामने रिपोर्ट हो कि वो रूपोष है और अदालत का वारंट लेके तामील करने से इनकारी है तो उसको इश्तहारी करार दिया जाता था न्याय ऑर्डिनेंस में इश्तहारी करार देने के बाद उसको उसका मुकदमा रख दिया जाता था कि जब भी कभी गिरफ्तार होगा वो किया जाएगा ये तो है हमारा कानून ये का एहत का थर्टी वन ए सर को इस तरह का मैं अभी मैं की, की तरह नहीं नहीं मैं अच्छा, ये तो मैं आपको फौजदारी कानून की बात की ये है आम अदालत में कानून की अब जब ये नैप ऑर्डिनेंस बना तो नैप ऑर्डिनेंस ने ओरिजिनली इसमें ये चीज नहीं थी मगर बाद में सन 2000 के बाद उन्होंने उसमें अमेंडमेंट करके सेक्शन 31 ए ऐड किया उस सेक्शन थर्टी वन ए में था कि जब अदालत हाँ। के सामने ये साबित हो जाए कि कोई शख्स अपनी कोशिश से और अदालत के समन की तामील के बावजूद अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा तो अदालत उसकी गैर हाजिरी में उस इतला कुनंदा का उस प्रोसेस सर्वर का बयान लिखकर के साहब ये आने से इनकारी है उसके मुकदमे में बगैर किसी शहादत के उसको तीन साल की सजा दे देती है यह है नैब ऑर्डिनेंस तो अच्छा। जो कि आम फौजदारी कानून से हटकर है मुख्तार अच्छा आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जाहिर है जारा प्रोग्राम चलाना है इश्हारा लिए हुए हैं वक्फा जरूरी है वक्फे के बाद फिर आपसे दोबारा इसी कानूनी नुकते के ऊपर बातचीत जारी रखेंगे नाजीन हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद